झुका तू दुम दबा चल रास्ता नाप ले, कपड़े सिला ले खुद के दम पे, नहीं लिए मैंने अपने बाप से। अपना टाइम आएगा, जब भी ये गाना कहीं बजता है तो हमारी जहन में सबसे पहले गली बॉय मूवी का ही नाम आता है, जो अब तक की सबसे सुपर डुपर हिट मूवीज में से एक है। न केवल इस मूवी के गानों ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया, बल्कि मूवी के डायलॉग ने लोगों का दिल भी जीता और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी किया, जिसकी वजह से ये मूवी न केवल इंडिया में हिट रही बल्कि मूवी ने इंडिया के बाहर भी धूम मचा दी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये मूवी कितनी हिट रही होगी। बस इसी पॉपुलरिटी को देखते हुए फिल्म के डायरेक्टर जोया अख्तर ने इस मूवी के पार्ट 2 को बनाने का फैसला कर लिया है, इसलिए जल्दी हमें मूवी के पार्ट 2 को देखने का मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उस मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है, कौन कौन से नए कलाकार इसमें देखने को मिलेंगे और ये मूवी कब तक रिलीज होगी? नहीं जानते ना, तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाले हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अपनी फेवरेट मूवी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। 14 फरवरी 2019 को रिलीज हुई मूवी गली बॉय ने पर्दे पर धूम मचा कर रख दी थी। इस मूवी के गानों से लेकर डायलॉग्स सब कुछ हिट रहा। बात की जाए मूवी की स्टोरी की तो मूवी को मुराद बने रणवीर सिंह के स्ट्रगल लाइफ पर फोकस किया गया था, जिसमें हमें मुराद मुंबई के धारावी के सामाजिक मुद्दों को अपने रैप के माध्यम से लोगों के बीच उठाते नजर आए थे और आगे बढ़ने के लिए उसे काफी स्ट्रगल करना पड़ा था, जिसमें इनका साथ देती हैं सफीना जो कि आलिया भट्ट थी। साथ ही इस मूवी में सफीना और मुराद की एक क्यूट सी लव स्टोरी भी देखने को मिली थी। मगर मुराद का वक्त तब बदलता है जब वो श्रीकांत भोसले से मिलता है और फिर स्टार्ट होती है एक स्ट्रगलिंग स्टोरी, जिसने लोगों को अपनी तरफ खूब आकर्षित किया, जिसके चलते ये फिल्म पर्दे पर हिट रही और कई सारे अवार्ड भी जीते। बस इसी वजह से जोया अख्तर ने गली बॉय के पार्ट 2 को बनाने का फैसला कर लिया है और इस फिल्म की स्टोरी पर काम भी शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है इस फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के से शुरू होती है जिसका सपना एक बहुत ही बड़ा सिंगर बनना है और वो अपने मॉम और डैड के खिलाफ जाकर मुंबई में अपने सपनों को पूरा करने आता है, जहां उसे काफी सारे लोगों का सपोर्ट मिलने वाला है, वहीं उसे रोकने के लिए भी काफी प्रयास किए जाने वाले हैं और फिर शुरू होगा सस्पेंस का झोलमाल। तो दोस्तों, यही होने वाली है फिल्म की स्टोरी। अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में। तो आपको बता दें, इस फिल्म में लीड एक्टर के रूप में अजय देवगन नजर आएंगे, जो अपने सपनों को पूरा करते हुए नजर आएंगे। वहीं इन्हें रोकने के लिए काजल अग्रवाल अपनी जी जान लगाने वाली है। ये इस मूवी में एक तरह से विलन का किरदार निभाने वाली है। साथ ही इनका साथ देते हुए बादशाह और अवतार नजर आएंगे, जो वक्त वक्त पर अजय को मोटिवेट करेंगे। वहीं हमें फिल्म में इनके सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे। वही बात की जाए फिल्म की रिलीजिंग डेट की, तो आपको बता दे फिल्म की स्टोरी पर काम शुरू हो चुका है, मगर इस फिल्म के स्टार कास्ट ने अभी तक अपना अपना कंफर्मेशन नहीं दिया, इसलिए फिल्म की मेकिंग प्रोसेस में देरी आ रही है और इसी वजह से अभी तक रिलीजिंग डेट भी सामने नहीं आई, इसलिए आपको ये मूवी देखने के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।